हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पास्ता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में पानी को बॉईल करने के लिए रख देना है। उसके बाद उसमें से हमने आधा चम्मच जो है सॉल्ट का डालना है। इसके बाद जब पानी बॉईल होने लगे तो हमने इसमें मैक्रोनी डाल देनी है। ये जो मैंने मैक्रोनी है, ये 2.5 कप मैक्रोनी ली हुई है मैंने, तो आपको ये वाली मैक्रोनी इसमें डाल देनी है। इसके बाद आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। जब ये बॉईल, आपको एक नाइफ़ लेकर उसको काट कर देख लेना है। अगर ये कट रही है तो समझ लो ये तैयार है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो प्रिपेयर करना है, वो है इसको तड़का लगाने का। उसके लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई में 2 चम्मच मक्खन के ले लेने हैं, ठीक है। मक्खन लेकर उसको थोड़ा गर्म कर लेना है। जब अच्छी तरह से मक्खन पिघल जाए तो उसमें आपको मैदा लेना है। मैदे के क्या करना है, आपने सिर्फ 2 चम्मच मैदे के लेने हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने भी 2 चम्मच लिए, उसको एक जगह पर नहीं रखना, उसको फैलाकर पूरी कढ़ाई में फैलाना है कि अच्छी तरह से वो मिल जाए, लम्स ना बने उसके, ठीक है। मक्खन मैंने पहले इसमें थोड़ा कम डाला था, तो फिर मैंने एक आधा चम्मच इस पर एक्स्ट्रा मक्खन डाला था जिससे ये पूरा भुन गया था। भुनने के बाद आप इसमें चाहे तो जो पिज़्ज़ा के चिली फ्लेक्स वगैरह बचे होते हैं और ओरिगैनो होती है, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें सिर्फ नमक ही डाला है। आपके पास हो तो आप डाल सकते हो इसको, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा अगर आपके पास पिज़्ज़ा के एक्स्ट्रा पाउच पड़े हुए हैं तो। इसके बाद मैंने इसमें, अब इसमें मैंने 1 कप दूध का ले लिया है और मैंने इसमें डाल देना है। और बाद में इसमें एक मैंने आधा चम्मच इसमें नमक का डाल देना है। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हो, तो मैंने इसमें बाद में ऐड किया है। आपको इसे लगातार हिलाते रहना है क्योंकि इसमें लम्स ना बने। जैसे आप इसको लगातार हिलाते रहेंगे तो ये थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाएगी ये क्रीम जो है, ठीक है। इसको लगातार आपको चलाते रहना है और इसको स्लो रखना है, मतलब इसकी जो आंच है तो स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं रखना है। इसमें मैंने अब नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद फिर से मैं इसको मिक्स करूँगी और ये धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए ये थिक होना शुरू हो गया है, अब वो थोड़ा मिक्स करेंगे। जब तक ये पूरे जो आपकी कड़छी है, जो आप चम्मच है उसको ये लपेटता नहीं, उसके ऊपर आने नहीं लगता, तब तक आपको इसको थोड़ा घुमाते रहना है। जब ये थोड़ा थिक हो जाए तो आपको बंद कर देना है, क्योंकि बंद होने के बाद भी थोड़ा कुक होता रहेगा तो उससे और भी थिक हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा थिक कर नहीं बंद करना है, फिर वो आटा सा बन जाएगा। तो आपको पहले से इसको थोड़ी क्रीमी शेप में रखना है तो आपको पहले बंद कर देना है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये थिक हो चुका है, आप देख रहे होंगे पूरी तरह से ये चम्मच को लपेट रहा है, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसको जो है, जो जो क्रीम हमने बनाई है तो इसको हम किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। पास्ता में भी डाल सकते हैं, किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। मैक्रोनी में मैं भी डाल रही हूँ। अब इसको निकाल लेना है हमने एक बाउल में, और इसके बाद हमने इसका जो तड़का है वो तैयार करना है। तड़के के लिए अब मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल लिया है 2 बड़े चम्मच। अब इसमें मैंने एक प्याज को मैंने कट करके रख लिया है, मीडियम साइज़ के प्याज को, और एक मैंने टमाटर चॉप करके रख लिया। दोनों को मैंने काट के पहले से ही रख लिया है। अब मैंने जब तेल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी, और उसके बाद जैसे ये प्याज थोड़ा भुनना शुरू हो जाएंगे तो मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। अब इसके बाद हमने सोया सॉस और सिरके के 2-2 चम्मच ले लेने हैं एक कटोरी में। जैसे कि ये मैंने पहले से ले लिए हैं, इसमें एक सोया सॉस और मैंने सिरके का चम्मच लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है। अब ये जैसे थोड़ा सा भून हो जाएंगे तो मैंने इसमें ये डाल देना है। एक चम्मच नमक भी इसमें ऐड किया है मैंने, आधा चम्मच, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया था तो हमने इसमें आधा चम्मच ही नमक का डालना है।
अब जो हमने सिरका और सोया सॉस ली थी उसका भी हमने इसमें डाल देना है। सोया सॉस और सिरका डालने के बाद अब हमने इसमें टमाटो सॉस डाल लेनी है। ठीक है, मैंने किसान की टमाटो सॉस यूज़ की है इसमें, वो मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है टमाटर और प्याज में। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमने इसमें जो बॉईल किया हुआ पास्ता था, मैक्रोनी थी, तो वो हमने इसमें डाल देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मैक्रोनी को। अब मिक्स करने के बाद हमने इसको सिर्फ 2-3 मिनट ही आंच पर रखना है। उसके बाद जो हमारा है क्रीम, इसमें हमने ऐड कर देनी है जो हमने पहले बना के रखी हुई थी। ये हमने जो पहले क्रीम बनाई थी वो हमने इसमें डाल देनी है। क्रीम डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे पास्ता में। आप चाहे तो इसमें चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो, मेरे पास थी लेकिन मैंने इसके बगैर भी अच्छा लगता है वो मैंने बाद में ऐड किया। अगर आप चाहे तो इसमें क्रीम में भी वो सीधे ऐड कर सकते हो, चाहे ऊपर गार्निश के लिए आप पास्ता बाउल में निकालने के बाद उसमें चीज़ स्लाइस डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चाहे आप क्रीम में भी यूज़ कीजिएगा। अब आपका पास्ता जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक